गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? और अभी मुझे खुशी हो रही है कि कुछ कुछ बच्चे होमवर्क दिखाने लगे हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं दिखाया है तो आप अपने ग्रुप में या मुझे पर्सनल मैसेज करके लिख दीजिए। जून के कितने लेसन हैं? दो लेसन। बार बार कह रही हूँ, रोज कहती हूँ और रोज कहूंगी, जून के कितने लेसन हैं? दो, पहला और पंद्रहवा। तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में पहला, और अब तक मुझे उम्मीद है कि सबके पास किताब होगी, पहला और पंद्रहवा लेसन नोटबुक में फेयर नोटबुक बनाओ, ब्राउन कवर चढ़ाओ और फुलस्केप नोटबुक में ये लेसन लिखो, पहला और पंद्रहवा। और अभी हमारा जुलाई का, तो जुलाई का दो लेसन है, छठा और दसवां। तो उसमें हमने छठा लेसन कर रहे हैं, तो आ जाए छठे लेसन पे। और हाँ बच्चों, कुछ भी हो ऐसा सोचना, रोज का रोज पढ़ लो तो अच्छी बात है। अचानक एग्जाम भी आ जाएंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। जैसे देखो बारिश कैसे आ गई, कल लाइट चली जाती है, ये चलती है। तो इसलिए जितना हो सके अर्ली मॉर्निंग उठ के स्कूल की तरह ही फ्रेश हो जाओ और अपना काम खुद करो। किताबें ले लो, कॉपी में लिखते जाओ, फोटो खींचो और मुझे भेजते रहो। और साथ साथ में अच्छी तरह से सब्जी रोटी दाल चावल खाना खाओ। बाहर का मत खाना, बाहर का सीजन बिल्कुल खराब है। ठीक है, तो हम कौन सा लेसन पढ़ रहे थे बच्चों? छठा लेसन जैव रक्रम। और उसमें हम कौन सा पढ़ रहे थे टॉपिक? वहन। हालांकि मैंने आपको हृदय का, आज फिर से मैंने बनाया है, हृदय का बिल्कुल रफ पंपिंग का कार्य है, एक पंप की तरह कार्य करता है, उसके बारे में समझाया था। आज मैं इसको थोड़ा और रिपीट करके आकृति सहित आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए जितना भी वो सब आता है एग्जाम में, एग्जाम में हर बार आता है, हृदय की आकृति बनाओ। ये आपका मतलब भी है हृदय की आकृति, और हृदय की कार्य रचना समझाओ। तो आज हम सीखेंगे हृदय हमारा, आज हृदय धड़कता है तो आप जिंदा हो, अगर हार्ट नहीं होगा तो आपकी लाइफ है नहीं ना। हम दिन भर कार्य करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन क्या हृदय कभी थकता है? कभी नहीं। हृदय हमेशा काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है। तो मानव हृदय एक पंप की तरह कैसा कार्य करता है? पंप की तरह, ठीक है। और इसका काम क्या है कि सारे शरीर में रुधिर का परिसरण करना, रुधिर को पहुंचाना। अब हृदय की रचना में हृदय एक खंड में नहीं बटा हुआ है, एक छोटा सा मुट्ठी के आकार का हृदय है, लेकिन हृदय छोटा होते हुए भी कितना हमारे लिए उपयोगी है। तो हमारे शरीर में दो तरह के खून होते हैं, एक ऑक्सीजन वाला और एक बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला। उन दोनों को जो सेपरेट करने का काम है वो कौन करता है? हृदय। तो हृदय कितने खंडों में बटा हुआ है? हृदय चार खंडों में बटा हुआ है, दाया आलंद दाया निलय, बाया आलंद बाया निलय। ठीक है, तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य का हृदय कितने खंडों में बटा हुआ है। आपको भी मनुष्य का हृदय चार खंडों में बटा हुआ है, दाया आनंद दाया बाया निलय, ऊपर वाले को आनंद, नीचे वाले को निलय। और जो आनंद होता है, ठीक है, उसकी जो पेशियां होती हैं, आनंद की अपेक्षा निलय की पेशी मोटी होती है। अब देखो हमारे पास दाया बाया करके आनंद है, दाया बाया करके निलय है। तो जो निलय की जो पेशियां होती हैं ज्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि उनको जो रक्त का संचरण करना है, पूरे शरीर में रक्त पहुंचाना होता है, इसलिए इसकी पेशियां कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। इसके अलावा हृदय ने उपस्थित द्वार रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अगर रुधिर उल्टी दिशा में बह रहा है, उसको रोकने के लिए हमारे शरीर में हृदय में क्या रखते हैं? वाल्व। तो ऊपर से आप हृदय की रचना अच्छे से समझ गए।
लीटर दिखा रही हूँ, आपके किताब का पेज नंबर 117 है। ये हमारे जो हृदय का इधर चित्र दिखाया गया है, हाँ खाली उसका बाहर का रचना नहीं है, ये है उसका अनुप्रस्थ काट, मतलब हाथ की ऊपर की एक लेयर को काट के फिर माइक्रोस्कोप से कैसे दिखता है उसके बारे में बताया है। अब इसकी कार्यविधि कल मैंने रफली इसमें बता दी थी, आपको मैं फिर से बता रही हूँ। आपको मैंने बताया कि हृदय कितने खंडों में बटा हुआ है, चार। कितने खंडों में बटा हुआ है, चार, आलिंद और निलय, आलिंद और निलय। आप देखो फेफड़ों से जो हमारा खून आता है इस तरफ, वो इस तरफ उस धमनियों के द्वारा पहले वहां पे देखो प्रवेश कर रहा है बायां आलिंद, इधर प्रवेश कर रहा है बाएं आलिंद। तो जब बाएं आलिंद में प्रवेश करता है तो वो संकुचित होता है, संकुचित होता है, शिथिल बन जाता है, तो बायां निलय फैल जाता है। बायां निलय क्या हो जाता है, फैल जाता है। अब बाएं निलय इधर से ये फैल गया, ठीक है, देखो इधर कोई कोई रास्ता नहीं है, बाएं आलिंद में आया, फिर शिरा के द्वारा यहाँ पर आया, बाएं आलिंद में आया, फिर कहाँ पर पहुंचा, बाएं निलय में पहुंचा। एक संकुचित होता है तो एक फैलता है, एक संकुचित होता है एक फैलता है, फिर बाएं निलय से फिर इसका तीसरा नंबर आता है क्या, शरीर। तो यहाँ से फिर वो शरीर में धमनियों के द्वारा फिर वो शरीर में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से शरीर के बाद जाकर ये शिराओं के द्वारा, अब आपको पता है कि शिराएं और धमनी दोनों अलग अलग का वहन करती है। अब फिर से ये देखो जब चौथा नंबर दिखाया है, यहाँ पे फिर से शरीर से कहाँ पर आता है, दाएं आलिंद में आता है, कहाँ पर आता है, देखो दाएं आलिंद में आता है। फिर से जब वो दाएं आलिंद में आएगा तो वो संकुचित होगा और निलय क्या होगा, फैलेगा। आप ले लो नीचे, निलय फैलेगा और इस तरह से फिर से ये वापस कहा जाएगा, इस तरह फेफड़ों की तरफ धमनियों के द्वारा फिर यहाँ से फेफड़ों की ओर जाएगा। अगर आपने इस रफ फिगर को याद कर लिया तो आपके हार्ट का जो भी कार्य है वो आ जाएगा। फिर से समझ लो, शिरा के द्वारा पहले कहाँ जाएगा, खून बाएं आलिंद में जाएगा, जब बाएं आलिंद में जाता है तो बायां आलिंद सिकुड़ जाता है तो निलय फैल जाएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा तो वो सिकुड़ जाएगा, बायां निलय में आएगा, फिर यहाँ से फिर कहाँ पहुंचेगा, शरीर धमनियों के द्वारा शरीर में आएगा। अब शरीर के बाद फिर से शिराओं के द्वारा उसी तरफ देखो, शिराओं के द्वारा कहाँ पर आएगा, दाएं आलिंद में आता है, शिव देखते जाओ पांचवा नंबर दाएं आलिंद में आएगा, फिर दाएं निलय में आएगा और फिर से ऊपर जाएगा और वहां पर जाएगा फेफड़ों में। तो इस तरह से हमारा हृदय 24 घंटे कार्य करता है। अब देखो आपका हृदय 24 घंटे कार्य करता है, आपकी मम्मी भी इतना काम करती है, पापा भी इतना काम करते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप खाली आधा घंटा एक घंटा पढ़ाई नहीं कर रहे, आधा घंटा आप इतना टाइम मोबाइल को दे रहे हो, तो बच्चों थोड़ा टाइम पढ़ाई को भी दो, होमवर्क करो। और आज मैंने ये वहन का टॉपिक मनुष्य में पूरा कर दिया, कल मैं समझाऊंगी पेड़ों में वहन कैसे होता है। तो आज का जो होमवर्क है वो है हृदय की आकृति बनाना, आप एक दो बार बनाओगे आपको आ जाएगी, दो तीन बार बनाओ बिना देखे भी आ जाएगी, और उसकी कार्य हुआ समझ लो, इधर से आता है, इधर से गया फिर इधर ऊपर गया, यानी इधर शरीर की तरफ गया, फिर से इधर आलिंद की तरफ आया, आलिंद से निलय की तरफ। तो इस तरह से अगर आप कार्य प्रणाली को भी रफ्तार से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हृदय की रचना समझाओ और उसकी कार्य प्रणाली समझाओ। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना, बार बार पढ़ते रहना, खाते रहना, ठीक है, बाहर मत निकल।